चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने भोजपुरी दर्शकों के लिए हमेशा अपनी फिल्मों में नयापन लेके आते रहते हैं, तभी तो इनकी फिल्में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजाती है। इसी कड़ी में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एक और फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव अब बॉबी देओल की फिल्म बादल का भोजपुरी वर्जन लेकर आ रहे हैं। इसका अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले ही मुंबई में किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक खेसारी लाल यादव ने जिन जिन बॉलीवुड फिल्मों का भोजपुरी वर्जन रीमिक्स किया है वह फिल्में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजाई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बादल में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आम्रपाली दुबे के साथ फिल्म में पहली बार लीड कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक बादल की टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से भोजपुरी दर्शक आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव को एक साथ एक पर्दे पर देखना चाहते हैं। उनकी उम्मीद फिल्म दुल्हन गंगा पार के रोमांटिक सॉन्ग से पूरी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की आइटम तड़का भोजपुरी फिल्म दुल्हन गंगा पार में शूट किया गया है, जिसका कुछ फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गया था और लीक होते ही सोशल मीडिया पर दोनों की आइटम सॉन्ग की फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसे भोजपुरी दर्शक बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर फिल्म बादल में आम्रपाली दुबे और खेसारी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आते हैं तो फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है।